सो हेलो एवरीबॉडी, सब कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाइस, एक्चुअली बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं आ गया हूँ वापस एक और नया वीडियो लेकर। सो गाइस, सब बताओ तो क्या हुआ है, क्योंकि ये मेरी स्कूल चालू हो गई है, तो अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ और लिटरली अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। इसके लिए मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, बट गाइस थोड़ा सा टाइम निकाल के खास आपके लिए निकाला है और मैंने एक वीडियो बनाया। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव फास्ट इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। सो गाइस, अगर आपने जावा एडिशन खेली है या तो देखी है, तो वो क्या करते हैं, वो एक F5 दबाते और उनका पर्सपेक्टिव एकदम फटाफट से चेंज हो जाता है। सो गाइस, हम ये पॉकेट एडिशन में नहीं कर पाते, हमें सेटिंग में जाके करना होता है। सो गाइस, मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप आपका पर्सपेक्टिव फास्ट चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दे देता हूँ। सो गाइस, अभी देख रहे हो मैं जा रहा हूँ और देखो मैंने कितने फटाफट से मैं चेंज कर पा रहा हूँ। देखो, आप देख पा रहे हो मैं कितने फटाफट से चेंज कर पा रहा हूँ। सो गाइस, ऐसे आपको मज़ा भी आएगा खेलने, मतलब अगर आप वीडियो बना रहे हो तो, आप अगर माइनक्राफ्ट का वीडियो बनाते हो तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, और ऐसे आप स्पीड रन कर रहे हो तो स्पीड रन में क्या होता है गाइस, वो पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, पीछे कोई आ रहा है, मतलब सॉरी मैं क्या बोला मुझे नहीं पता, पीछे कौन आ रहा है वो देखते हैं, तो वैसे आपको मज़ा भी आता है खेलने। तो गाइस, आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको सर्च करना है, आपको सर्च करना है KEY की मैपर, की मैपर आपको सर्च करना है। तो मैं फटाफट से की मैपर सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, की MAPPER की मैपर। सो गाइस, मैंने की मैपर सर्च कर लिया, उसके बाद आपको सर्च पे टैप कर देना है और सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, आप लोगो देख लेना और उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है। सो रुको गाइस, आप देख पा रहे हो मेरा तो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। उसके बाद आपको सिंपली ये इसको खोल लेना है। सो गाइस, खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे द एक्सेसिबिलिटी दिख रहा होगा, उसको आपको फिक्स उस पर लिखा होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, फिक्स पे टैप कर देना। उसके बाद आप सेटिंग्स में आ जाओगे, उसके बाद वहाँ पे आपको की मैपर दिख रहा होगा, उसको आपको ये कर देना है, उस पर क्लिक कर देना है। की मैपर पर टैप करने के बाद आपको इनेबल करके ओके कर देना। उसके बाद आपको वापस की मैपर एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद सेकंड वाले को फिक्स करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको दिख रहा होगा की मैपर बेसिक इनपुट मेथड, उसको आपको इनेबल करना है, ओके कर देना है। उसके बाद वापस आपको उस पर जाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड ट्रिगर करना है, और मैं वॉल्यूम अप कर देता हूँ, तो वॉल्यूम अप मैंने कर दिया। उसके बाद आपको एक्शंस में जाना है, और उसके बाद आपको की कोड में आना है, की कोड में जाने के बाद नीचे आपको की कोड F5 ढूंढनी है। तो मैं नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ अभी, और की कोड F5 आप देख पा रहे हो, की कोड F5 उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना, मैंने क्लिक कर दिया। सो गाइस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको माइनक्राफ्ट ओपन कर लेनी है, और माइनक्राफ्ट में ओपन करने के बाद आपको वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली चेंज होते रहे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइज अगली बार से मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँ, मतलब ऑलमोस्ट डेली वीडियो अपलोड करूँ। और गाइज, बाकी मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।